इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ सीना। आज वो बहुत ही भावुक पल था जब सैकड़ों माँ बाप जाकर डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह और डॉक्टर शशि सिंह धन्यवाद करते हुए आशीर्वाद ले रहे थे। आज मेरठ के सिविल लाइन स्थित टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का 17वां स्थापना दिवस था। इस दौरान डॉक्टर अनिरुद्ध ने पिछले 16 सालों को याद करते हुए बताया, उस समय टेस्ट ट्यूब तकनीक शुरू करना बेहद मुश्किल था क्योंकि उस समय लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत कम होता था, इसलिए उन्होंने अखबारों और सेमिनार के जरिए लोगों को इस विधि के बारे में जागरूक किया। मेरठ के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की मदद से सैकड़ों माँ बाप के घर बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं। इस दौरान हमारी संवाददाता नीलोफर अंसारी वहाँ पहुंची, आइए जानते हैं इस दौरान डॉक्टर अनिरुद्ध ने उन्हें क्या जानकारी। आज हम मौजूद हैं मेरठ के टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर जहां पर 17 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। तो सर, आपका नेम क्या है, पहले अपना नाम बताइए। हम लोग आज 17वां एनुअल डे मना रहे हैं और सन 2005 में हम लोगों ने इस सेंटर की स्थापना की थी। हर साल हम आज इसको एक उत्सव की तरह, इस फंक्शन को हम उत्सव की तरह मनाते हैं। हमारे जितना परिवार है, इस सब लोग हमारे परिवार हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग आएं, इस वर्ष को एंजॉय करें क्योंकि सब लोग बिजी हैं। कम से कम आज के दिन आके इस सब चीज़ सुख दर्द भूल जाते हैं। बच्चे एक ऐसी चीज़ है जो माँ बाप के लिए इससे अच्छा कीमती उपहार कोई नहीं हो सकता। उनके आंगन में किलकारी खुलती है, अपने बच्चे को बड़ा होते देखते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम हर बच्चे को चेक करें, देखें हमारा बच्चा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं उसको। और सबसे खुशी की बात है कि सब लोग हमारे साथी, हमारे अपने बन के आते हैं यहाँ। सब लोग अपने और स्टेज पे सब लोग कितने खुशी के साथ प्रोग्राम देते हैं, डांस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 17 साल पहले जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब इसकी क्या पोजीशन थी और आज के टाइम में क्या इसका नाम है? हाँ बिल्कुल, 17 साल पहले इस टेक्नोलॉजी बहुत विकसित नहीं थी और बहुत बड़े बड़े सेंटर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में इसकी टेक्निक हुआ करती थी। तो हम लोगों ने शुरुआत की बड़ी हिम्मत करके और लोगों को जागरूक किया, बहुत सारे तरीक़ों से जागरूक किया, सेमिनार से जागरूक किया, पेपर में इंटरव्यू दे के जागरूक किया। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि इस टेक्निक द्वारा भी हम लोग संतान प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, कितने घरों में आपके इस टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की हेल्प से कि बच्चों की किलकारियाँ गूंज चुकी हैं अब तक? लगभग कुछ हमारे 4,500 बच्चे हो गए। 4,500 बच्चों को आपने जन्म दिया है मतलब आपके टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के जरिए? जी। अच्छा, सो उनकी जो रिव्यूज़ आते होंगे उनके पेरेंट्स के, किस तरह के रिव्यूज़ आते हैं? तो अभी भी बोल के गई हैं कि हमारी मम्मी, हमारी सास जो है हमारे बच्चे को लेकर मम्मी क्या जाने नहीं देती, कहती है कि हमारे घर से सुनापन हो जाएगा, तुम यहीं रहो कहीं ना जाओ। ऐसे ऐसे भी रिव्यू हैं कि वो घर, इनको लगता है कि घर हमारे जो है गुलजार हो गया, घर में रौनक आ गई। वी आर सो हैप्पी कि उन्हें लगता है कि कहीं हम अकेले थे, खाली थे, अब नहीं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ मेरठ के लोग ही आते हैं या फिर कहीं बाहर से भी? पूरा इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल लोग आते हैं, बहुत दूर 500 किलोमीटर तक के लोग आते हैं। अच्छा, यू मीन कि फॉरेन में भी इसका नाम है? हाँ, फॉरेन से भी लोग आते हैं, करा के जाते हैं, उनके बेबी वहाँ डिलीवर कराते हैं या कोई यहाँ करा के भी जाते हैं। थैंक यू। इस दौरान डांस कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, देखिए उसकी हल्की सी झलक। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत काटरा, डॉक्टर शिवानी काटरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।